जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भींग का दोस्तों बहुत ही कॉमन प्लांट है, बहुत ही कॉमन फ्लावर है और सबसे बड़ी बात है ये पेरेनियल प्लांट है, सालों साल चलने वाले पौधे हैं ये। और छोटे से इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़े ये नहीं होते हैं, छोटे से पौधा जो है वो छोटा सा ही ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। और आपको इसके काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे इस फ्लावर के, मैं एक ही आपको कलर्स दिखा रही हूँ, हालांकि मेरे पास है लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो इसके कारण मैं दूसरे प्लांट नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश और आंधी भी चल रही है, तो मैं आपको दूसरा कलर नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन अगर आप नर्सरी में जाते हैं आपको कई तरह के वैरायटी मिल जाते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, विंका के दो तीन ही क्वालिटी थे, एक पिंक थे तो एक थोड़े पर्पल टाइप के थे और वाइट। लेकिन अभी हाइब्रिड क्वालिटी बहुत सारे आ गए विंका, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इसके बीज, और बीज से ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। मैं दिखा भी दूँगी, मैं भी ग्रो की हुई हूँ इसी प्लांट से काफ़ी सारे पौधे। तो अगर आप अपने, बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं होता है दोस्तों, आपको बहुत बहुत ज़्यादा महंगा हुआ तो 20-25 रुपए में ही आराम से आपको नर्सरी में मिल जाएंगे और काफ़ी वैरायटी में भी मिल जाएंगे। और एक बार अगर आप घर ले आए तो इससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे साल फ्लावर्स देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बहुत सारे प्लांट ऐसे लाते हैं जिसमें कि फ्लावर्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, लेकिन ये वाले जो प्लांट है आपको हर पूरे साल इसमें आपको फ्लावर मिलेंगे। तो इस प्लांट का ऐसे रख रखाव भी आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे आप दूसरे पौधे को करते हैं वैसे ही करना है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ आपको ज़्यादा परिश्रम करने की भी बात नहीं है। देखिए, मैं एकदम छोटा सा एक पौधा लाई थी, लगभग वो 3-3.5 इंच का पौधा था और आज ये देखिए बिल्कुल भर गया है। और किस तरीके से आप इसे करेंगे कि ये बुशी टाइप का भी बन जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूँगी। सबसे पहले है कि इसकी मिट्टी जो आप लेंगे वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और इक्वल प्रोपोर्शन में उसमें एक गार्डन सॉइल के साथ साथ थोड़ी सी जो नदी की बालू होती है वो ले लीजिए, रिवर सैंड, और उसके साथ आपको लेना है उसमें जो वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग है वो मिट्टी मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से और उस पौधे को उसमें लगा दीजिए। पौधे को लगाने के बाद हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, नए पौधे जब भी लगाएंगे आप उसे धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी छायादार जगह पर रख दे, सुबह की धूप उसे लगनी चाहिए, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा दोस्तों, ये भी आपको मान के चलना है। लेकिन दोपहर वाली धूप बिल्कुल मत लगाइए जब तक नहीं उसमें से नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाए। बहुतों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं ये लाया हूँ या फिर लाई हूँ और उसके बाद उसे लगा दिए हैं और लगाने के बाद ये मुरझा रहे हैं, ये हो रहे हैं, सो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त जो पौधे सॉकिंग पोजीशन में रहते हैं तो उसे ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह की धूप बस दिखाइए उसे, बस उसमें फोटोसिंथेसिस हो जानी चाहिए ताकि वो खाना बना सके अपने लिए। और उसके बाद उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देने का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों किस तरह की आंधी तूफान चल रही है, कुछ भी नहीं देने का मतलब ये है किसी तरह का जो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं वो बिल्कुल नहीं, कुछ भी मत दीजिए क्योंकि उसमें ग्रोथ अभी नहीं आई है। जब ग्रोथ आने लगेगी, कलियां बननी शुरू हो जाएगी तब जाके आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें बीच बीच में 10 दिन के अंतराल में इसमें जो नीम ऑयल का छिड़काव है वो कर दीजिए आप दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसे प्रोपोगेशन कैसे कीजिएगा, ये देखिए मैं बीज आपको दिखा रही हूँ, कच्चे बीज है तो इस तरह के जो बीज है इस बीज को ही आप अगर पौधे में छोड़ दीजिए तो ये ब्राउन कलर के बन जाएंगे और अंदर से इसमें छोटे छोटे काले रंग के बीज निकलते हैं, उस काले रंग के बीज से आप नए पौधे बना सकते हैं। या फिर अगर आपको इसमें फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको ये बीज कटिंग करके, मतलब इस तरीके से निकाल के आपको फेंक देना पड़ेगा।
कारण यही है कि अगर बीज बनने शुरू हो गए तो पौधे समझ जाते हैं कि अब मेरा लाइफ ख़त्म हो रहा है, और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मुरझाने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इसे निकाल कर, अगर आप चाहते हैं कि बीज लेना तब तो आप इसे छोड़ दीजिए प्लांट में। अगर नहीं चाहते, अगर चाहते हैं कि इस पौधे अभी पौधे से ही मैं फूल लेना है मुझे, तो इसे इस तरीके से हटाते जाना है आपको, नहीं तो फ्लावर्स कम हो जाएंगे और पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। मेरे इसी प्लांट में यही हुआ था कि इतने सारे, मैं थोड़े से बाहर गई हुई थी तो इतने सारे इसमें ये जो बन गए थे फलियाँ, और फलियाँ बनने के बाद ये देखिए दोस्तों, पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये देखिए इसी बीजों से देखिए मैं ग्रो की हूँ। और एक जो है टहनी काट के भी आप कर सकते हैं, देखिए ये टहनी से लगाए हैं मैंने, इसमें फूल भी है लेकिन चूँकि अभी बहुत ही अभी जस्ट इसमें इसको अभी मैं उखाड़ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जस्ट मैं लगाई हूँ, इसमें अभी जड़ें निकल रही हैं तो फ्लावर के कलर जो है बहुत फीके हैं। खैर ये हो जाएंगे, ये फिर ग्रो कर जाएंगे। और देखिए कितने सारे छोटे छोटे जो है पौधे निकल गए हैं, जो पौध जिसको बोला जाता है वो निकल गए हैं इसमें से। अब ये अभी जब तक नहीं चार इंच के लगभग होंगे, मैं इसे यहाँ से नहीं हटाऊंगी, उसके बाद ही मैं लगाऊंगी, अभी ये बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो है फलियाँ हो गई थी, ये पौधे मुरझाने लगे थे, उस वक्त ही मैं सारी फलियाँ को हटाई। और थोड़ी सी अगर आप इसको बुशी करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ी ट्रिमिंग कर दीजिए इसको, थोड़ी थोड़ी छांट दीजिए, लगभग 2 इंच के लगभग सारी टहनियों को इक्वल छांट दीजिएगा, तो फिर वो बूशी बन जाएंगे और फ्लावर्स बहुत अच्छी तरीके से देते हो। ज़्यादा उसमें से क्या होगा, जहाँ से आप कटिंग करेंगे उसके नीचे से फिर 2 स्ट्रीम निकलेंगे और इस तरीके से आपके पौधे जो वो बूशी बनते जाएंगे। ये पौधे बहुत ही अच्छे, ज़्यादा आपको इसमें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पौधे को आप लगाइए। और बहुत कलर्स के जब आते हैं दोस्तों तो आप तरह तरह के कलर्स भी लगा सकते हैं इसके। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसे आप सोच सकते हैं कि किस टाइम में इसके बीज को लगाना चाहिए। जैसे देखिए अभी थोड़ी पानी बरस रही थी तो आप इसके बीजों को तो किसी भी सीज़न में लगा सकते हो, उसमें पानी के छिड़काव करते रहे मिट्टी में, वो निकल जाएंगे। लेकिन टहनी अगर आप कटिंग करके इसके लगाना चाहते हैं, अगर आपके किसी भी दोस्त के पास टहनी उसके पास से ले आए, उसे लगाना है, तो बरसात के मौसम में लगाइए, बेस्ट रहता है। बरसात के मौसम में उस टहनी को लगाइए, पत्तियाँ छांट दीजिए, ऊपर की 2-3 पत्तियाँ रख दीजिए, अगर कलिया फ्लावर है तो उसे भी हटा दीजिए और उसे लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो बारिश के पानी में नाइट्रोजन रहती है, तो उस नाइट्रोजन के कारण जो है ना, ये आपके जो पौधे जो है वो बहुत अच्छे से जो उसमें से जड़े वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अगर आपको थोड़े से आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम, तो आप थोड़े से जो रूटिंग हार्मोन होते हैं वो भी लगा के आप लगा सकते हैं। मैंने तो रूटिंग हार्मोन भी नहीं लगाए हैं, मैं बस एक लगाई थी आप लोग को दिखाने के लिए, हालांकि मेरे तो बहुत सारे निकल गए हैं पौधे छोटे छोटे, फिर भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए लगाई थी। और ये देखिए अभी मैंने जो क्या हटाया, सूखे हुए फूल। सूखे हुए फूल आप जितने हटाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो दोस्तों इस पौधे को ज़रूर लगाएं, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट्स भी कीजिए। इसे मेरी वीडियो और भी वीडियो आप देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं उसे। तो एक फिर अच्छी वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगी। बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।